हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सबको। आज मैं मायके जा रही हूँ अपने घर। मेरे जो बड़े पापा थे वो गुजर गए तो उस दिन जा नहीं पाई, तो आज जा रही हूँ बड़े पापा के घर और अपने भी घर। यहाँ से लगभग 3-4 घंटे का रास्ता है तो जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं गाइस मेरे गांव और मेरे घर। चलिए आप लोग भी मेरे साथ। तो अभी हम लोग निकलते हैं घर से, तो यहाँ से करीबन 10:30, तो अभी जा रहे गाड़ी में बैठते। तो अभी निकलते हैं, क्या निकल देना, लेट्स गो। अभी हम लोग निकल चुके हैं रास्ते पे, रोड पे। तो यहाँ से चेबरी होके बोलपुर सालमार होके बरपेटा होके सीधा मुसलपुर बक्सर डिस्ट्रिक्ट। देखे मुझे भी नींद आ रहा है, सोने का मन कर रहा है। तो इसके बाद आगे कदम तक वहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है, उसको वहाँ से करीबन 10-15 किलोमीटर अंदर वहीं पे है इसका घर। तो उस जगह आता है कदम दौल, उठो उठ जाओ, बहुत सो लिया भाई, बहुत सो लिया क्या बोलो, तो बोलना कौन सा कहाँ से लेना है लिफ्ट नहीं पता वो नहीं। बोलना कौन सा कहाँ से टू पार पार्सला को चल गया वहाँ पे सो सो के आ रहा ना, पता नहीं चला कुछ। अभी कितना 1:30 बजे, 1:30 गाइस अभी हम पहुँचने वाले। मेरा एक आदत है, छोटा सा आदत छोटा सा झूठ बोलना बड़ा है। ट्रेन में हो या बस में हो, हंस होता है, होता रहता है। ऐसा प्रॉब्लम है मेरा। तो ये है अंदर ही, अंदर है घर। अभी हम लोग कदम तल आ पहुंचे। तो ये रोड ऐसा सीधा निकासी मुसलपुर जाने वाला रोड। अभी हमने छोड़ दिया कदम तल, अभी पहुंचने वाले हैं मुसलपुर। अब जो आएगा वो मुसलपुर है और उसके बाद ही है मेरा घर। मुसलपुर के सामने ही है। मुझे शादी की याद आ रहा है। इसी रोड से गया था मैं दूल्हा बनकर, फिर जा रहा हूँ। देखता कोई अगर साली वाली हो तो उसको लेके आऊंगा उठा के। पहले गया था दूल्हा बनकर, अभी क्या बनकर गए हो? अभी भी जा रहा दूल्हा बनकर, अगर कोई मिल जाए तो साली वाली उसको लेके आऊंगा गाड़ी में उठा के। जब मैं इसको देखने गया था, मैं बस में गया था, तो ये
अभी कार में जा रहे हैं, तो जब मैं गया था उसको देखने, ये पूरा ऐसे देखा रहा था मुझे घूर घूर कैसे करके साथ देने आया था, तो ऐसा करके आ रहा था पूरा। जब चाय देखे पीछे गया था उसे देख रहा घूर के, लगा कैसा है, लगा तो अच्छा ही है इतना से कहाँ मिलेगा भाई इतना अच्छा लग रहा हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा, कहाँ मिलेगा तुमको, मिलेगा कोई थोड़ा रास्ता भूल भटक गया था और फिर वापस आ रहा हूँ। ये यहाँ का लड़की होगा भाई उसको रास्ता मालूम नहीं है, ये दोबारा वापस आ रहा हूँ। ये ज्यादा जानपाड़े है क्योंकि सच में हमेशा जानपाड़े होता है ये, क्योंकि पहली बार जब आया था वो रास्ता अच्छा था, उसको उसने बोला ये रास्ता से क्यों गई, ये रास्ता तो बहुत दूर है, लेकिन वो रास्ता बहुत ही अच्छा, जब ये रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है लेकिन रास्ता खराब है, ये जान पड़े मुझे कुछ बताए बिना चल पड़ा यही रास्ते पे। आगे से राइट लेफ्ट मोड़ते रास्ता भटक गया, तो यहाँ पे मैंने जीपीएस ऑन कर लिया, आगे से लेफ्ट मोड़ना है, यहाँ से लेफ्ट मोड़ना है, तो यही रास्ता है। तो आपका मुसलबर कहाँ सारे है? देखिए ये रास्ता अच्छा है, पीछे रास्ता वो वाला खराब रास्ता था, तो अभी फाइनली हम लोग अच्छा रास्ते पे आ गए इसकी वजह से। हाँ जहाँ भी जाएंगे ना गाइस ये जान पड़े हो जाता है पहले से। इसका घर है, यहाँ जगह है, मेरा घर है, मैं मान लेती हूँ गाइस कि मेरा घर है, लेकिन क्या मैं रोज ही आती हूँ यहाँ पे? रोज तो नहीं आती ना, कहाँ रास्ता खराब है कहाँ पे अच्छा है ये तो मेरे ही जानती। चलो तुमको एक से दिखाऊंगा कहाँ कहाँ जाना है। इसका और मेरा सिर्फ यही डिफरेंस है, इसके घर के सामने रास्ता अच्छा है, मेरा घर के सामने कच्चा है, बस यही इसका ही दम देते रहते है रोज रोज। सुनो मेरे घर के सामने इतना अच्छा रास्ता है, तुम्हारे घर के सामने है ऐसा बोल ही रहते ये। तो अभी हम लोग मुसलपुर आ पहुँचे, यहाँ पे थोड़ा मिठाई लेंगे, तो मिठाई लेके फिर चलते स्कूल। इसका घर देखिए, ये सब स्कूल है, बचपन में यही स्कूल पढ़ा था। देखिए मुसलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल, देखा? लेकिन हर नाम के लिए पढ़ाई किया, कोई काम तो नहीं है इसमें, कहीं भी जाओ मुझे लेके जाता है, क्या बोले पर नाम का गया था स्कूल। हाँ गया था, हाँ गया था, बस यहाँ पे थोड़ा मिठाई लेते गाइस। फाइनली मैंने मिठाई ले लिया, बच्ची है घर में भैया का, उसे लाया उसके लिए चला मिठाई बिस्किट ले लिया। हमारे यहाँ के लोग जो है गाइस, वो लोग ज्यादातर लोग धान खेती करते हैं, किसान है बहुत अच्छा है, वो घरों में फलाते हैं, घरों के धान चावल खाते हैं, साग सब्जी सब घर में उगाते हैं, अपने बाड़ी में वो सब्जी वगैरह लगाते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा ये लोग के बारे में क्या कहा है तो नारियल बहुत सारा है वो खाने वाला हूँ मैं, नारियल का पेड़ है और क्या है, सुपारी है और नींबू है वही सब है जो मैंने बोला था आप लोगों को। वो बड़े पापा वो हमारे घर से भी और दूर है, तो देखती हूँ कि आज जा पाते या नहीं तो कल, क्योंकि ये बात
जो मैं आज जाऊंगी या नहीं ये बात इसके ऊपर मैटर करते हैं, क्योंकि अभी मैं सब थक चुका हूँ। ये जाने वाला तीन घंटा ड्राइविंग किया तो ये बोल रहा है कि दोनों साली है, वो सालियों को बहुत प्यार करते हैं ये, लेकिन देखती हूँ आगे जाके क्या होता है। अगर साली बोले तो मैं जान भी देखूंगा, जान जान साड़ी एक बार बोले तो चलो जी घूम के आते बाबा, रास्ता बहुत डेंजर है। तो इसका साली ने फोन किया था तो बोल रही थी कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी आप लोग आ जाइए तो फिर जाना पड़ेगा वो बड़े पापा के घर, वो बोल रहे थे। क्या नाम देते हैं? तो ये है इसका गांव, देखिए बहुत सारा घर, इस तरह मामी का घर है। इधर पे चाचा का घर, सब अपना अपना आ गए यहाँ पे बहुत सारा। पहुँचने वाला है सामने जो बंदा खड़ा है उसका आगे शायद होगा यहाँ पे। आए तो देखो इसका अभी शुरू हो गया हंसना, तो अभी चलते आ गया। ये देखो ये घर, चलो अंदर चलते। ये घर है, बहुत थक चुकी हूँ गाइस, अब थोड़ा हाथ मुख धो के खाना खाऊंगी। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करो। इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा घर फैमिली को, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखें। वीर से कहना था उतना कदम।